में कावेद कटाई, चाहे वो सरंडा का जंगल हो, चाहे साहेबगंज का जंगल, चाहे वो खूंटी में हो, चाहे सिमडेगा में, आप सभी समाचार टीवी में दिखा रहे हैं, मीडिया में। इस सरकार के बनने के बाद अवैध जंगल की कटाई भी बड़ी जोर शोर से चल रही है। उसी तरह जमीन, सरकारी जमीन या फिर किसी गरीब आदिवासी का जमीन, वो किस प्रकार उस जमीन पर गिद्ध दृष्टि रखी हुई है, किस प्रकार उस सरकारी जमीन या गरीब आदिवासियों का जमीन को हड़पने का काम ये वर्तमान सरकार में जोर शोर से चल रहा है। और हेमंत सोरेन की पार्टी का नारा है, सरकारी प्लॉट हमारा। और आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, चाहे वो जमशेदपुर हो, रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, हर जगह सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा। और रांची के समाचार पत्र तो जमीन के मामले से भरा पड़ा। इस तरह जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधन को तो हम भूल ही जाए। जिस तरह 28 महीने में प्राकृतिक संसाधन की लूट हो रही, मैंने याद होगा आपको इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरह दुमका के शिकारी पारा में मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में मैं 3 मुस्लिम युवक का नाम लिया, पर डे किस तरह हजारों ट्रक आज भी चल रहे। और आज समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा, एक समाचार पत्र में इसको उठाया है कि DFO ने, जो मैं नाम लिया था आप निकाल लो, वही लोग पर जिला बाहर का आज DFO ने DC को आवेदन दिया। अब DC की कितनी हिम्मत होगी कि मुख्यमंत्री का अवैध कोयला व्यापार करने वाले को जिला बाहर करते हैं कि। एक जो मैं कहा था ना, उद्योग व्यापारियों में आदिवासी भूमिका बढ़ाएगी सरकार, पेपर कटिंग देगी, कोई आदिवासी को तो उद्योग व्यापार के लिए जमीन नहीं मिला, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को क्या मीट प्रोसेसिंग के लिए 11 एकड़ जरूर जमीन मिल गया, ऐसी सूचना। इसी तरह भ्रष्टाचार, ये जमीन है आपका, जैसे सरकार चतुर्वेदी जी थर्ड गियर में चल रहा, आप भी थर्ड गियर फर्स्ट गियर में चलना चाहिए। ये जमीन है आपका, मतपुर वही है, ये जमीन है बेहरा औद्योगिक क्षेत्र चानो ब्लॉक बिजुपाल रांची, तो आप पता करो आप। दूसरा, इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा। भ्रष्टाचार 2 तरह के होते हैं, एक राजकीय भ्रष्टाचार, दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार। जो राजकीय भ्रष्टाचार है वो निश्चित रूप से राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जो रोजमर्रा की भ्रष्टाचार है जिसमें आम जनता पीस रही है, चाहे ब्लॉक ऑफिस जाओ, CEO ऑफिस जाओ, या फिर बड़े ऑफिस प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाओ, नेपाल हाउस जाओ, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन का म्यूटेशन कराना हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं। और मुझे ग्रामीण बताता है कि सर, हम लोग जब शिकायत करते हैं तो CEO BDO कहता है जाओ, जिसको कहना है जो करो, हम दे के आए। ये निश्चित रूप से ये झारखंड के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कहां, जहां आम जनता को छोटे मोटे काम कराने के लिए बिना पैसे दिए काम नहीं हो। राजकीय भ्रष्टाचार की तो हम कहानी आपको बता ही रहे,
प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी आप हमसे ज्यादा आप सब अवगत हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नेपाल हाउस घूमते रहते हैं। बिना पैसे का कोई फाइल सरकता नहीं, ये राज्य की स्थिति है। ये सारे मामले पर बहुत जल्द संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे, क्योंकि ये कानून में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री स्वयं या इसके परिवार कोई भी सरकारी व्यापार में सम्मिलित नहीं रह सकते, चाहे मुख्यमंत्री का पत्नी हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, कोई भी सरकारी ठेका पट्टा लीज में ये भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण के तहत दंडनीय अपराध है। ये सारी सूचना बहुत जल्द महामहिम राज्यपाल जिसे मिलकर इन पर कार्रवाई करने के लिए अपील हम लोग करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।